तो आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज जो हम आपको बताने वाले हैं, बताएंगे बच्चों आपको आज हम पावर पॉइंट के बारे में। एक ही वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पावर पॉइंट के बारे में हम आपको सब चीज बता दें। हम आपको केवल मेथड बताएंगे, लेकिन बनाना जो है आप ही सीखेंगे। उसमें अट्रैक्टिव मेथड, अट्रैक्टिव बनाना कैसे, वो आप ही बनाएंगे, लेकिन हम आपको कल मेथड बताएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा। पावर पॉइंट जो है हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट पे गए बच्चा, देखिएगा सेम प्रोसेस वही वाला रहेगा अभी के लिए। हम ये आपका रहा एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रहा, और ये आपका है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, जो भी आपका जो है वर्जन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हो, उस पे जो है केवल एक बार क्लिक कर दीजिएगा, वो ओपन होकर के आ जाएगा आपके पास। तो ये बच्चा जो है आपके सामने पावर पॉइंट ओपन होकर के आ गया, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जब भी पावर पॉइंट ओपन होकर के आता है, ठीक है, जो पावर पॉइंट की जो स्लाइड्स होती है उसमें से कोई दो चीजें होती हैं, सब दो बॉक्स होते हैं। पहला होता है बच्चा क्लिक टू ऐड टाइटल, और सेकेंड बॉक्स होता है आपका क्लिक टू ऐड सब टाइटल। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और ये जो बॉक्स बना होता है इसको कहते हैं प्लेस होल्डर। इस बॉक्स को क्या कहते हैं बच्चा? प्लेस होल्डर कहते हैं। अब प्लेस होल्डर बच्चा क्या होता है पावर पॉइंट का, यानी ठीक है, प्लेस होल्डर जो पावर पॉइंट में होता है, इट्स मीन वेयर यू कैन राइट अ टेक्स्ट, वेयर यू कैन राइट अ टेक्स्ट आर इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये होता है बच्चा स्लाइड्स होती है। ठीक है, हम बात करेंगे बच्चा न्यू पे चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं आपके पास, आपके सामने। अगर हम न्यू पे यहाँ पे चलेंगे तो सबसे पहले हमको जो है इतने जो है ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जब भी हम बच्चा देखिएगा, हम यहाँ पे जो है एक तो है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ठीक है, जब भी ठीक है ब्लैंक प्रेजेंटेशन है। ठीक है, आप थीम्स का जो है प्रयोग करके भी कोई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ये देखिएगा डिफरेंट थीम्स का है। ठीक है, इसको लेकर के आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, बात ध्यान सुनिएगा। ठीक है ना, यस या नो? आप कोई भी टेम्पलेट्स लेकर के जो है प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और एक ऑप्शन कौन सा था आपका? क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। एक दूसरा ऑप्शन आपको क्या मिला? आपको सैंपल आपका टेम्पलेट्स के, फिर आपका ये थीम्स के द्वारा। फिर अगर आपके पास कोई अपनी अपनी कोई थीम्स है, या कोई आपके पास अपना कोई टेम्पलेट्स आपने बना रखा है इमेज फॉर्मेट में, आप उसके बेस पे आकर के यहाँ से बना सकते हैं। तो ये थे डिफरेंट वेज थे आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट के ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या था आपका? ब्लैंक प्रेजेंटेशन के द्वारा आप जो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे बच्चा? ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट का हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, तो ये चीज हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, यस या नो? जी सर, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारे ऑप्शन आपको पता ही है, ये सारे ऑप्शन आप लोग सीख चुके हैं, एमएस वर्ड में सीख चुके हैं, यस या नो? भाई शेप का ऑप्शन भी सीख चुके हैं, शेप बनाना कैसे होता है, शेप फिल करना कैसे, ये भी सब सीख चुके। आज हम यहाँ पे केवल अब बताएंगे आपको एनिमेशन बताएंगे, और आपको ट्रांजिशन इफेक्ट बताएंगे, और डिजाइन कैसे लगाते हैं वो चीज बताएंगे, और स्लाइड शो सेटअप बताएंगे, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज हम एक बनाने जा रहे हैं, और ठीक है कंप्यूटर लैब पे। ठीक है, कंप्यूटर लैब ये हमारी जो है क्या हो गया बच्चा? कंप्यूटर लैब हो गया हमारा। ठीक है, जब हम मेन पीस हम बनाते हैं, देखिएगा, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। मेन पीस बना रहे हैं, इसको हम बढ़िया सा जो अट्रैक्टिव कर लेंगे यहाँ पे। आप चाहें तो इसी को जो है एम उसमें ले सकते हैं, किसमें बच्चा? वर्ड आर्ट में। किसमें आप ले सकते हैं इसको? वर्ड आर्ट में, क्योंकि जब भी हम कोई भी अट्रैक्टिव वर्ड लिखना चाहते हैं तो हम वर्ड आर्ट में लिखते हैं करा। ठीक है, आप वर्ड आर्ट में जो है यही वाला वर्ड लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा किस प्रकार से आप जो उसमें फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। सेव फिल कर दीजिए कोई अच्छा सा जो आपको लग रहा है, कोई सेव, कोई आउटलाइन कर दीजिए, मतलब आपको जो भी अट्रैक्टिव देना है वो आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आराम से इसको जो है हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं यहीं पे। ये आपने कर दिया, अब यहाँ से अगर कोई डिजाइन लेना चाहते हैं तो हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, तो ये डिजाइन ऑप्शन पे जो है क्लिक
क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर कोई आप थीम अप्लाई कराना चाह रहे हैं तो हम किस पे चेक क्लिक करेंगे, डिजाइन टेम्पलेट पे, ठीक है। ये देखिएगा डिफरेंट टाइप्स की क्या है इसमें थीम्स आ जाएंगे आपके सामने, ठीक है। ये आपकी जो है डिफरेंट जो है टाइप्स की जो है जो थीम्स आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। यस या नो बोलिए बच्चा। यस या नो बच्चा, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है थीम्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसी पर एनिमेशन लगाना, किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे, एनिमेशन लगा। तो एनिमेशन लगाने के लिए हम बच्चा किस पे चलेंगे, एनिमेशन टैब पे चलेंगे, ठीक है। किस पे ये जाएंगे, एनिमेशन टैब पे जाएंगे। आप कर्सर को केवल केवल क्लिक करिए या सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर आप एनिमेशन टैब पे जाएंगे। फिर एक ऑप्शन मिलता है ये देखिएगा, ऐड एनिमेशन का, ठीक है। ऐड एनिमेशन पे जाएंगे, ये डिफरेंट टाइप्स के क्या है उस पर एनिमेशन ही देखिएगा, देख रहे हैं आप, यस या नो। हमने एक ये एनिमेशन लगा लिया, ठीक है, ये एनिमेशन हमने लगा लिया और फिर एनिमेशन को हमने सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एनिमेशन को क्या हमने किया, सेटिंग पे गए, टाइमिंग पे, जैसे यहाँ पे हमने क्या रखा है, ऑन क्लिक रख रखा है, ठीक है। मतलब क्या रखा है, ऑन क्लिक रखा है और यहाँ पे हमने टाइमिंग दे दिया, मतलब ड्यूरेशन, ठीक है, कितना है, यानी कि 2 सेकेंड में जो है आने आना है उसको, और डिले का टाइमिंग कर दिया हमने 0, यानी डिले का मतलब क्या हुआ, वो केवल जितनी देर के हम अगर मतलब तुरंत फिर से ऑन क्लिक कर देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, वो नेक्स्ट जो है एनिमेशन आ जाएगा, ठीक है। डिले का यहाँ पे कोई टाइमिंग दे देंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो उतनी देर वहां पे पहले रुका रहेगा, उसके बाद जो है नेक्स्ट वहां पे आएगा, ठीक है। अगली आपको कोई अगर नई नई अगर आपको कोई स्लाइड यहाँ पे इंसर्ट करानी है, उसके लिए देखिए क्या करेंगे आप बच्चा, Ctrl+M का यूज करेंगे, किसका, Ctrl+M बटन का यूज करेंगे। ये देखिए आपकी जो है न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाती है। इसी प्रकार से आप कई सारी जो है स्लाइड्स यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। यस या नो, Ctrl+M बटन से जो है आप इंसर्ट करा सकते हैं, या फिर आप सीधा होम टैब पे हैं और सीधा यहाँ पे जो है न्यू स्लाइड करके जो है या जो है ठीक है इंसर्ट करा लीजिए, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे लेआउट की, ठीक है। पावर पॉइंट में लेआउट का बच्चा बहुत ही ध्यान रखिएगा, तो पावर पॉइंट में जो लेआउट है वो आपके इतने प्रकार के लेआउट है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपका बच्चा क्या है, इस पे करते हैं, सेकंड वाले पे, इस पे क्या बच्चा टाइटल स्लाइड है, ठीक है। ये आपका हो जाता है क्या बच्चा, आपका टाइटल स्लाइड हो जाता है अगर, ठीक है। फिर टाइटल एंड कंटेंट, टाइटल एंड कंटेंट में बच्चा आपको सब कुछ मिल जाएगा, यहीं से आप चार्ट इंसर्ट करा सकते हैं, आपको ऑप्शन पे भी नहीं जाना, टेबल इंसर्ट करा सकते, पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं और कोई भी मीडिया इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। स्मार्ट आर्ट, ठीक है, सारा क्लिप आर्ट, सब कुछ इसी पे ही मिल जाए, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड वाले में ऑप्शन में, ठीक है। फिर ये आपका है सेक्शन हेडर फाइल, ठीक है। यहाँ पे आप जो है ये भी आपका लेआउट है। फिर आपका टू कंटेंट, यानी एक ही स्लाइड में आप टू कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है, एक हेडिंग और उसके रिलेटेड जो है कोई भी टू कंटेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये अगला टू कंटेंट फिर आपका है बच्चा कौन सा है, आपका मतलब कंपैरिजन का है। ये सारे आपके क्या है लेआउट है, फिर आपका टाइटल लेआउट है, ब्लैंक है, कंटेंट विद कैप्शन का है, पिक्चर विद कैप्शन, ये सारे आपके क्या है बच्चा लेआउट है। इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपको जो भी, लेकिन मोस्टली ज्यादातर लोग किसका यूज करते हैं बच्चा, ब्लैंक का यूज करते हैं, किसका, ब्लैंक जो है यानी कि इसका यूज करते हैं, ठीक है। बात बच्चा क्लियर हुई, यस या नो, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर ये अप्लाई कराया था क्या, कंप्यूटर लैब, इसमें हमने अप्लाई करा दिया। अब हम एनिमेशन, हमने एनिमेशन इफेक्ट हमने इसमें अप्लाई किया, ठीक है। अब हम अप्लाई कराएंगे इसमें कौन सा बच्चा, ट्रांजिशन इफेक्ट। ध्यान रखिएगा जो एनिमेशन इफेक्ट है वो आपका टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट पे जो है अप्लाई होता है, ठीक है। जो एनिमेशन इफेक्ट है बच्चा वो आपका किस पे अप्लाई होता है, टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, ठीक है। एनिमेशन इफेक्ट विल बी अप्लाई ऑन ओनली टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, एनिमेशन इफेक्ट जो है वो बच्चे आपका टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। ऑब्जेक्ट का मीन्स है यहाँ पे आपका जो भी मीडिया है, ठीक है, जैसे आपका इमेज हो गया, क्लिप आर्ट हो गई, जो भी आप उसमें ड्राइंग बना रहे हैं वो हो गया, ऑडियो वीडियो, उन सब पे जो है वो इफेक्ट अप्लाई, ऑब्जेक्ट में वो सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। अब ये जो आता है बच्चा ट्रांजिशन इफेक्ट, ठीक है,
अभी हमने इस पे एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई कराया था, ठीक है। अब हम इस पे क्या इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट लाएंगे बच्चा? ट्रांजिशन। तो ये क्या होता है ट्रांजिशन इफेक्ट, ध्यान सुनेगा। ये तो बच्चा ट्रांजिशन इफेक्ट होता है, स्लाइड का अपीयरेंस होता है। कैसा होता है बच्चा? स्लाइड का अपीयरेंस होता है, यानी कि वो किस हिसाब से स्लाइड जो है वहां पर प्रेजेंट हो रही है किसी भी ऑडियंस के सामने। आप देखिएगा, मैं किसी पर भी एक पे मैं जो क्या करूंगा बच्चा, क्लिक करूंगा। देखिए, जिसे हमने इस पर क्लिक किया, तो ये देखिए इस हिसाब से जो प्रेजेंट होकर के आएगी स्लाइड, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड पहले ऐसे आएगी। बात क्लियर? जी अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड इस हिसाब से प्रेजेंट हो गए, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या बच्चा, स्लाइड, स्लाइड कौन सा आपका है? ट्रांजिशन इफेक्ट है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब हम पहले इन्हीं स्लाइड्स को जो है ओपन करके जो है देख लेते हैं, ठीक है। इसी जो है जो स्लाइड हमने किया है इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। उसके लिए कहाँ जाएंगे बच्चा? स्लाइड शो ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम बिगनिंग यानी कि F5 बटन का यूज करिएगा। कौन सा? फ्रॉम द कीबोर्ड, F5 बटन का, ठीक है। F5 बटन का आप जैसे यूज करेंगे, यहाँ से देखिएगा हमने यूज किया, ये हमारा जो है स्लाइड पहले नंबर पे क्या आएगा बच्चा? स्लाइड आपका ट्रांजिशन इफेक्ट आएगा, ठीक है। एनिमेशन इफेक्ट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उसको ऑन क्लिक कर रखा था, यानी जब हम क्या करेंगे माउस से क्लिक करेंगे या फिर हम कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करेंगे तब वो चीज आएगा, टेक्स्ट एनिमेशन इफेक्ट। बात क्लियर हुई? इसी तरह से आप अन्य में भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम जैसे यहाँ पे लाते हैं, कोई मीडिया यहाँ पे इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं आप आराम से, ऑप्शन आपको सब पता ही है कहाँ से कौन सी पिक्चर आपको लानी है, पता है कि नहीं पता जी है ना? ये सब आपको पता ही, कहाँ से पिक्चर लेंगे, पिक्चर को किस हिसाब से देखिएगा रिसाइज करेंगे। रिसाइज करने के लिए पिक्चर के जो कॉर्नर पे जैसे पिक्चर को आप सेलेक्ट करेंगे, ध्यान सुनेगा, तो पिक्चर जो है एट डॉट्स में क्या हो जाए बच्चा, डिवाइड हो जाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। इन्हीं कॉलम्स को हम बच्चा क्लिक करके जो है पिक्चर को क्या कर सकते हैं बच्चा, रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर जो ग्रीन बॉक्स होता है इससे हम पिक्चर को रोटेट कराते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इससे पिक्चर को क्या कराते हैं? रोटेट। अब हम इस पिक्चर में भी जो है एनिमेशन यहाँ पे डालते हैं, चलिए ठीक है। पहले हम इसमें एनिमेशन डाल देते हैं, कोई इसको हमने सेलेक्ट किया, इसमें हमने एनिमेशन डाल दिया, इस पर हमने सेलेक्ट किया, ठीक है। एनिमेशन पे गए और ये हमने कोई इसमें पिक्चर डाल दिया, ठीक है, गुड, ठीक है। ये पिक्चर की फॉर्मेटिंग आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। जय डबल क्लिक करना होगा केवल पिक्चर पे, पिक्चर की फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको केवल क्या करना है, पिक्चर पे बच्चा जो है डबल क्लिक करेंगे। ये पिक्चर स्टाइल्स यहाँ से आप कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। पिक्चर को क्रॉप कराना है, डबल क्लिक करेंगे, सीधा आपका यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे साइड में सारा हो जाएगा पिक्चर, ये सारा क्रॉप वाला ऑप्शन है, ठीक है। ये आप इससे जो है इसको पिक्चर को क्रॉप करा दीजिएगा, ठीक है। पिक्चर क्या हो गई? क्रॉप हो गई, ठीक है। पिक्चर को यहाँ से आप वो कर सकते हैं, मतलब करेक्शन कर सकते हैं पिक्चर का, यहाँ से कलर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ पिक्चर्स का, ठीक है। अब देखिएगा पिक्चर पे, अब जैसे ये वर्ड है हमने पिक्चर को वहां पे लेकर गए तो उस पे क्या हो रहा है, पिक्चर है वो वर्ड हमारा क्या हो गया बच्चा, छिप गया। छिप गया कि नहीं छिप गया? तो इसके लिए हम क्या करें बच्चा, अरेंज ऑप्शन का यूज करेंगे। इसके लिए किस ऑप्शन का यूज करेंगे हम? अरेंज ऑप्शन का यूज करेंगे। ये पिक्चर का है, इसके लिए हम अरेंज ऑप्शन का यूज करेंगे। डबल क्लिक पिक्चर पे करेंगे, ये अरेंज ऑप्शन यहाँ पे हमारे बन के आ जाते हैं, ठीक। पिक्चर को हमें कहाँ भेजना है? सेंड टू बैक हमने क्लिक कर दिया। अब पिक्चर को हम सीधा उठाकर ले जाएंगे, देखिए टेक्स्ट उसके ऊपर लिख करके आ रहा है। तो यहां से आप क्या है पिक्चर्स को अरेंज कर सकते हैं। बात क्लियर हुई? यानी देखते नहीं है आप, टेक्स्ट जो है पिक्चर पीछे लिखी होती है और टेक्स्ट उसके ऊपर होता है, तो उसी हिसाब से आप यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। उसको अरेंज ऑप्शन में आपको ला करके आप उस पर ये काम कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप फ्रंट पे भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन है यहाँ पे अरेंज वाले ऑप्शन से, ठीक है। यहाँ पे अलाइन करा सकते हैं, ठीक है। अलाइन आपको, आप ये सारे वर्ड में हमने आपको फीचर बताए थे कि मतलब टेक्स्ट आपका एक पेज लगा है, उस टेक्स्ट के बीचों बीच में पिक्चर लगा दिया, चारों तरफ आपका लिखा होना चाहिए टेक्स्ट, ठीक है। वो सारी आप यहाँ से अलाइन वाले ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो यहाँ पे? ठीक है।
इस पर भी हमने एनिमेशन लगा दिया, इस पर भी लगा दिया। अब हम किस पर चलेंगे बच्चा? स्लाइड शो पे चलेंगे। किस पे जाएंगे बच्चा? स्लाइड शो पे जाएंगे। एक ये ऑप्शन है बच्चा रिहर्स टाइमिंग का, ध्यान से सुनिएगा। ये ऑप्शन है आपका रिहर्स टाइमिंग। इसमें क्या होता है, टाइमिंग जो है हम सेट करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये स्लाइड्स है, ठीक है, ये स्लाइड है हमारी, बात ध्यान से समझिएगा। ये जो स्लाइड्स थी, इसको हमने यहाँ पे क्या कर लिया बच्चा, प्ले करा दिया, रिकॉर्ड हो रहा टाइमिंग। वो जितनी देर हम टाइमिंग वहां पे रिकॉर्ड करेंगे, उतनी देर तक वो वहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, रुक रुक जाएगा, ठीक है। इसको हमने रिज्यूम कर, इसको हमने स्टॉप करा देते हैं, इसको हम कैंसिल करा देते हैं, ठीक है। अब ये जो स्लाइड है, यानी ये 16 सेकेंड के बाद, 16 सेकेंड के बाद, ध्यान सुनिएगा, आपके सामने ये जो व्यू बन के आ रहा है, ये जो थंबनेल व्यू जो बन के आ रहा है, इसको क्या कहते हैं बच्चा? स्लाइड शॉर्टर व्यू कहते हैं। इस ऑप्शन को क्या कहते हैं बच्चा? है स्लाइड शॉर्टर व्यू कहते हैं। स्लाइड शॉर्टर व्यू से जो है, आप अपनी सभी स्लाइड्स को एक ही पेज पर आप थंबनेल आइकन में, थंबनेल व्यू में देख सकते हैं। अगर आपको अपनी स्लाइड्स को अरेंज करना है, ठीक है, कॉल, ठीक है, वो भी आप स्लाइड शॉर्टर व्यू में कर सकते। जैसे ये स्लाइड है, इसको हमें अरेंज करना है, इस पे हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये अरेंज हम यहाँ से आसानी से हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। ये आपको जो स्लाइड शॉर्टर व्यू से, ये जो इमेज है, यानी 16 सेकेंड बाद पहली ऑटोमेटिक जो है अपने आप चली जाएगी, हमें कुछ क्लिक नहीं करना है ना कुछ करना, देखेगा हमने कुछ कर दिया अपने आप, 16 सेकेंड के बाद जो है वो ऑटोमेटिक जो है अपनी जो नई जो है ऑटोमेटिक कोई दूसरी स्लाइड इस पे आ जाएगी, ठीक है। कितने सेकंड के बाद? 16 सेकंड के, हमको कुछ भी क्लिक व्लिक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे जो है हम अपने, देखिए हमने कहीं पर भी कोई क्लिक नहीं किया, तो ये था रिहर्स टाइम का। ये हम वहां पे यूज करते हैं जब हमारे पास एक सफिशियंट समय होता है, एक टाइम होता है कि हमको ये जो स्लाइड जो हमारी जो प्रेजेंट होगी, इसको हमें केवल इतने सेकंड में या इतने मिनट में केवल इसको एक्सप्लेन करना है, और हमारे पास असिस्टेंट कोई है नहीं दूसरा जो उस स्लाइड्स को ऑपरेट करेगा, वहां पे जाकर के क्लिक करेगा, ये चीज है नहीं हमारे पास। तब के लिए हम रिहर्स टाइमिंग का यूज करते हैं, जिससे कि वो जितनी देर की स्लाइड आई, हमें टॉपिक उतना तैयार है, हमने उतने मिनट में उस टॉपिक को हमने तैयार किया है, उतने मिनट का हमने रिकॉर्ड उस पे लगा देते हैं, जिससे कि हम ऑटोमेटिक जो है वो फिर नेक्स्ट स्लाइड अपने आप ही हो जाएगी, हमको करना नहीं पड़ेगा। तो ये था बच्चा रिहर्स टाइमिंग का, ठीक है। ये ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आपको जैसे ये स्लाइड्स आपको देखनी है, तो इसके लिए हम क्या करें बच्चा, फ्रॉम आपको करेंट वाले पे क्लिक कर देना, ये आ जाएगा। देखिए देख रहे हैं ना आप सब, इस पर भी अगर हमने यहाँ पे क्लिक कर, अगर हम करते हैं यहाँ पे, देखिए पूरा एक एक करके देखे सब आएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे, ये आपका ट्रांजिशन इफेक्ट आ गया, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर, ये आपका एनिमेशन इफेक्ट आ जाता, फिर आपकी नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है, फिर ये नेक्स्ट पे जो है आपका आ गया एनिमेशन इफेक्ट, और ये आपका ट्रांजिशन, ठीक है, स्लाइड। तो ये इस प्रकार से आप जो है अपनी स्लाइड्स को बना सकते हैं। अब अगला बात करेंगे इसमें हम इंसर्ट ऑडियो और वीडियो का, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर कि आप वीडियो ऑडियो कैसे इंसर्ट कराएं, उसके लिए हम बच्चा इंसर्ट पे जाएंगे। किस पे जाएंगे बच्चा? इंसर्ट पे जाएंगे, और ये रहा मीडिया ऑप्शन। मीडिया ऑप्शन में है वीडियो पे जाएंगे, वीडियो फ्रॉम फाइल, वीडियो फ्रॉम फाइल पे जाएंगे, और हमने यहाँ पे ला करके वीडियो को हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे ला करके हमने उसको इंसर्ट कर देंगे बच्चा अभी, ठीक है। इंसर्ट हो रहा है, इंसर्टिंग मीडिया हो रही है यहाँ पे, देखिएगा अभी थोड़ी देर बाद जो है ये मीडिया क्या हो जाएगी, इसमें इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इसको, हम इसको भी हम क्या करेंगे बच्चा, रिसाइज कर देंगे, ठीक है। इसको भी हमने क्या कर दिया बच्चा, रिसाइज कर दिया। इस पर भी अगर कोई एनिमेशन इफेक्ट लगाना है, तो जैसे हमने लगा दिया, ये किस हिसाब से बन करके आएगी शेप में, ठीक है, इस हिसाब से बनकर आएगी इसका हम। और इस पर भी हम कोई ट्रांजिशन इफेक्ट लगा लेते हैं, इस पे ट्रांजिशन इफेक्ट क्या क्या रहेगा, ये इस हिसाब से आएगी, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से जो है प्ले करते हैं इसका। ये आपका क्या आ रहा बच्चा? ट्रांजिशन इफेक्ट है। फिर हमने माउस क्लिक किया, ये आपका एनिमेशन इफेक्ट आ गया, फिर ये सेकंड पे आ गया, नेक्स्ट पे ये देखिए आपकी स्लाइड आ रही है आपके सामने है, और फिर जैसे हमने क्लिक किया, ये आपका वीडियो आ गया यहीं पे, ठीक है। वीडियो को हम जो है यहीं पे क्या कर देंगे बच्चा, प्ले कर देंगे, ठीक है। यस या नो? यहीं पे हमने प्ले कर दिया, वीडियो आपका प्ले होने लगा। तो इस प्रकार से हम जो है अपना कोई भी वीडियो जो है प्रेजेंट स्लाइड्स में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यस या नो? हाँ
आप इसी तरह अपना कोई ऑडियो लगा सकते हैं। ऑडियो लगाने के लिए भी सेम प्रोसेस वहीं पे इंसर्ट पे गए, ठीक है, ऑडियो फ्रॉम फाइल करेंगे, जो भी ऑडियो होंगे, जैसे ये ऑडियो है यहाँ पे एक पड़ा हुआ है ऑटोफिल का, जो हमने पढ़ाया था आपको, उससे रिलेटेड है ऑडियो यहाँ पे, वो ऑडियो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसको भी हम यहाँ से प्ले प्ले करा सकते हैं, ठीक है। यानी सारी चीजें आप कर सकते हैं, यानी आप जो है क्या पिक्चर इंसर्ट करा सकते हैं, क्लिप आर्ट, ऑडियो वीडियो और एनिमेशन, जो स्लाइड जो प्रेजेंटेशन बनाई जाती है उसमें यही होता है बच्चा, टेक्स्ट इंक्लूड होता है, आपकी स्लाइड्स में इमेजेस होती हैं, ऑडियो वीडियो, ठीक है, इनको लेकर स्लाइड बनाई जाती है, ठीक है। हम मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब इसको अट्रैक्टिव फॉर्म में और बनाएंगे अपने, ठीक है। ये हमने बेसिक जो पॉइंट्स थे कैसे बनाया जाता है वो सारा हमने आपको बताया, अब आप लोग अच्छे से इसको बनाइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे किसी और दिन। ओके बच्चा, गुड डे, गुड बाय।